दे वर ट्राइंग कि इसको इतना डिस्करेज कर दो, इतना थका दो ना कि ये हार जाए। मतलब 3-4 साल से ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग है, जिसमें सबके पूरे भर भर की ना गाली और ये और वो सब चीजें हैं, प्लस आफ्टर अ लेफ्ट तारक मेहता, उसके बाद 2 महीने तक जो लोगों ने कलीग्स ने कॉल किए, जिन्होंने भर भर के आसिफ मोदी को बोला है, सोहेल को बोला है, सब चीजें बोली, सब कॉल रिकॉर्डिंग मैंने वहां पर दिया कलेक्टर के। देखो भगवान की लाठी में आवाज नहीं, अगर आसिफ जी ने गलत किया है तो वो गलत चीज होगी। ये तो मुझे लगता है फैंस की और लोगों की दुआएं हैं कि अभी तक इतना बचे हुए। एंड आई एम हैप्पी कि एक वर्डिक्ट आया, क्योंकि आई वाज स्टैंडिंग ऑल अलोन, नो वन, नॉट इवन वन पर्सन एक्सेप्ट माय हस्बैंड, एक्सेप्ट माय लॉयर और मेरे 3-4 फ्रेंड्स जो हैं, कि मैं यू नो अंबिका, सोनालिका, मंदार, ये 3 जन स्पेशली, मेरे मेकअप दादा जो मेरा मेकअप करते थे, वी वर वेरी क्लोज, इन लोगों के बिना मैं रहूंगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। 5-5 घंटा में से बैठ के लेटे फैन को देख रही हूँ, ऐसा होता था, इतना डिप्रेशन में थी। दिस इज अ लेसन लर्न, कोई साथ नहीं देता भाई, जो है आपका फैमिली है। हेलो जेनिफर, वेलकम टू ई टाइम्स। हेलो, हाउ आर यू? थैंक यू, आई एम गुड। ओके, देर इज अ स्माइल ऑन योर फेस। लास्ट ईयर से हम बात कर रहे हैं और पहली बार एक मुझे स्माइल आपके चेहरे पे दिख रही है, और थोड़ी सी थोड़ा सा रिलीफ भी दिख रहा है। आई नो द लास्ट टाइम वी स्पोक यू सेड यू नो कि वर्डिक्ट तो आ गया है बट आई एम नॉट रियली हैप्पी, सो करंटली व्हाट इज द स्टेटस, व्हाट इज गोइंग इनटू योर माइंड? सी इट्स, जब ये हुआ था सब 1 साल पहले 7 मार्च को, तब मैंने सोचा भी नहीं था ये इतनी लंबी जर्नी होगी। मैंने तो कुछ करने, लाइक आई ऑलवेज सेड, मैंने कुछ करने का सोचा ही नहीं था। ये जो है ऊपर वाला सब खेल खेल रहा है, अपने आप सब चीजें करा रहा है, आई एम जस्ट इन सरेंडर मोड एंड डूइंग। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सितंबर तक मैंने सब बहुत चक्कर काटे, पुलिस स्टेशन एंड एवरीथिंग, आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड, आई इवन गेव इंटरव्यू टू यू दैट टाइम अबाउट द पुलिस पीपल अथॉरिटीज, जो विटनेसेस स्पीक नहीं कर रहे हैं एंड एवरीथिंग, ये पूरा फिर बहुत फ्रस्ट्रेशन आ रहा था। मतलब सितंबर में मतलब सब कुछ करके मैंने देख लिया, कुछ नहीं हो रहा था। देन फाइनली माय लॉयर सेड कि ओके गो टू नाउ महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड आस्क देम अबाउट दिस थिंग, उनको बोलो कलेक्टर से जाके मिलो। तो आई वेंट टू द कलेक्टर, वहां मुझे मिलने के लिए मना कर दिया कि 3-4 दिन बाद आओ। माय लॉयर सेड कि अभी तुम हंगामा मचाओ। फिर वो तो मुझे उसने जो बोला, तो फिर मैं तो एकदम मुन्ना भाई बन गई, मतलब मेरे को तो अभी मिलने का, अभी नहीं मिली अब तो देखना ऐसे सब पूरा करके। इन शॉर्ट वो मिले, बहुत अच्छे से मिले, उन्होंने डिप्टी कलेक्टर को मेरा केस दिया पूरा, बोले देखो व्हाट आर द नीड्स, जस्ट फुलफिल इट। कलेक्टर ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, वेरी वेरी स्वीट मैन। मतलब इन दिस होल जर्नी फर्स्ट पर्सन हुम आई मेट वाज हु वाज रियली रियली कोऑपरेटिव, एंड उन्होंने कि आपको क्या इशू है, मैंने कहा आप लोग ने एक ये किया था कि इंटरनल यू नो पॉश के अंतर्गत प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट फॉर वुमेन एट वर्क प्लेस, इसके लिए आपने उनको बोल दिया इंटरनल कंप्लेन कमिटी बनाने, विच इज देयर एम्प्लॉयज, उन लोग मुझे कैसे जस्टिस देंगे, आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा आप अपनी लोकल कमिटी बनाओ, समवन न्यूट्रल, हु डजंट नो मी, हु डजंट नो आसिफ मोदी। तो उन्होंने बोला हमारे यहाँ ऑलरेडी ऐसी कमेटी, मैंने कहा ओके, देन यू नो विद इन फ्यू डेज 15 दिन के अंदर मेरी लोकल कमेटी के साथ मीटिंग हुई, दे वर 4 लेडीज 1 मेल। अक्टूबर में हुई ये मीटिंग, 24th ऑफ अक्टूबर को मैं मिली उनसे, देन 24th ऑफ नवंबर को मेरी सेकंड हियरिंग हुई, जब आसिफ जी भी आए थे, एंड मुझे नहीं मालूम था कि आसिफ जी भी आए हैं, नीला जी भी आई थी, एंड मुझे नहीं मालूम उनकी अपने बात हुई, मैं बाहर वेट करेंगी। Then I went, उन्होंने साथ में बुलाया, उन्होंने बोला कि आप लोग देख लीजिए जो भी क्या है, क्यों ये सब आगे बढ़ा रहे हो, आप लोग देख लो, इन्होंने ऐसा ऐसा फाइल किया है। तो आसिफ जी ने बोला नहीं ये सब झूठ बोल रही है, इसको किसी ने भड़काया है, मेरे को मालूम है ये बहुत इमोशनल है, बहुत सेंसिटिव है, इसीलिए ऐसे हो गए, मेरा तो तारक मेहता पूरा परिवार है, मेरे तो सब यू नो मेरे फैमिली जैसे है, जेनिफर भी मेरी फैमिली जैसे, इसका हस्बैंड बहुत अच्छा फोटोग्राफर है, हम लोग त्र्यंबकेश्वर घूमने गए थे, इसकी बेटी भी साथ में थी, मंदिर दर्शन करके आए हैं। तो जेनिफर तो माना हाँ, नीला भाभी से मिलने, मतलब सडनली वो भाभी हो गई मेरी। एनीवेज तो ये सब पूरा उन्होंने इस तरीके से किया, देन वी लेफ्ट, देन देयर वाज नेक्स्ट हियरिंग ऑन 8th ऑफ जनवरी व्हिच वाज द लास्ट हियरिंग। तो
दिन भी आसिफ जी को, मेरे से तो बहुत लंबी 1 घंटे बात की कमेटी ने, और उनने मुझे बोला था कि व्हाट आर योर डिमांड्स। तो मैंने बहुत सारी डिमांड लिख के रखी थी कि नंबर वन के मेरा कितना ज्यादा मेंटल ट्रॉमा हुआ है, मेरे हॉस्पिटल बिल्स हुए हैं, मैं मुझे मालूम है इन दिस लास्ट यू नो 1 ईयर आई हैव थॉट ऑफ कमिटिंग सुसाइड मोर देन 100 टाइम्स। आई इतना ज्यादा है वो हो गया था, बट बिकॉज ऑफ माई डॉटर लेकिशा के नहीं यार ओके नो आई हैव टू लिव फॉर हर, आई हैव टू लिव फॉर हर, और ये कोई तरीका नहीं है, तुमने अभी किया तो तुम्हें गलत कर्म कर रही हो अगर तुमने कुछ भी किया, ये सोच के बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज ऑफ मेडिटेशन योगा एंड एवरीथिंग रेकी, मैं थोड़ा वापस ग्राउंडेड होके नॉर्मल हो जाती थी, बट ऑफकोर्स आई यूज टू क्राई अ लॉट एंड एवरीथिंग, ये सब चल रहा था। तो मैंने उनको वही बोला मेरा मेंटल ट्रॉमा इतना हुआ है, मेरे वकील का खर्चा इतना हुआ है, मेरा यू नो पूरा जो केस में आना जाना ये सब चीजें इतना खर्चा हुआ है, ये तो चलो ठीक है। मैंने कहा आई वॉन्ट स्ट्रिक्ट पनिशमेंट टू आसिफ मोदी सोहेल एंड जतिन, क्योंकि तीनों ने क्राइम किया है, जतिन ने जो दरवाजा बंद किया है, गेट बंद किया है, वो भी एक बहुत बड़ा क्राइम है एज गुड एज किडनेपिंग, सोहेल ने गेट आउट करके निकाला है, बोला इसको रिप्लेस करो, वो भी एक बहुत बड़ा क्राइम है, मेरा दरवाजा कार का बैंग किया है सोहेल ने, आसिफ जी ने तो पूरे टाइम जो क्लियर कट सेक्सुअल यू नो वर्ड्स सब यूज किए हैं। तो मैंने उनको बताया, मतलब और भी मैंने बहुत सारी चीजें की थी, बोला था कि मतलब यू नो मेरे इसके अंतर्गत आप इनको पनिशमेंट भी दीजिए और ऐसी कुछ करिए कि आगे कोई भी ऐसा क्राइम ना कर पाए, ऐसा आप एक डिसीजन करिए, और मेरा इतना इतना अमाउंट ड्यू है तो ये मेरे पैसे मुझे वापस मिले। ये मैंने जनवरी में फर्स्ट टाइम उनको, मतलब उनने जब पूछा कितना अमाउंट ड्यू है, क्योंकि मैंने अभी तक तो मेरे ही पैसे, कंपनसेशन की तो बात ही छोड़ी है, मैंने तो मेरे ही पैसे के लिए नहीं बोला था, क्योंकि फिर मेरी फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि व्हाई आर यू नॉट आस्किंग फॉर योर हार्ड अर्न मनी। देन इन जनवरी आई सेड कि ओके दिस इज माय अमाउंट ड्यू, तो उन्होंने बोला, मैंने बताया कि मैंने कहा ये 1.25 साल से उनके पास पैसे हैं, इसका इंटरेस्ट भी बनता है, ये पैसे अगर मेरे अकाउंट में होते हैं तो उन्होंने उसके हिसाब से जो भी वर्डिक्ट किया विच वॉज गिवेन ऑन, मतलब उन्होंने वर्डिक्ट पास किया 15th फेब को, जो मुझे 17th फेब को मिला, बट आई वॉज यू नो नॉट अलाउड टू स्पीक इन मीडिया एंड एवरीथिंग, सो आई वॉज स्टेइंग क्वाइट, यू इवन इंक्वायर्ड मी अबाउट दैट एंड आई डिड नॉट रिस्पॉन्ड बिकॉज naturally I was not allowed, but the thing is ke abhi jab itna jab zyada ho gaya and you also had that was you know proof of the letters that's yeah. then I asked my lawyer, he said ke Jennifer speak up, yeah because mujhe tabhi pata chala tha and I tried calling you several times, maine text bhi kiye but usually aap hamesha revert karte ho, is bar nahi kar rahe the, so I understood ki kuch na kuch hai, that's why I was you know, and then again I thought ki now it is the best time, at least I should ask ki aapke dues clear ho ki nahi, देखो ये सब ऊपर वाला तय करता है, लास्ट होली पे सब चालू हुआ था, ये होली पे खत्म हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ रिलीफ मिला है, ऑफ कोर्स इट्स अ बिग विक्ट्री इन द सेंस के यू नो फर्स्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट केस जिसको मैं जीती भी हूँ, ये बहुत बड़ी चीज है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई विल बी गोइंग टू हाई कोर्ट, क्योंकि 5 लाख रुपए कंपनसेशन देके आप छोड़ नहीं सकते, मैं 5 लाख रुपए छोड़ सकती हूँ, मैं मेरा पैसा छोड़ सकती हूँ, लेकिन फिर कोर्ट चाहे मुझे 1 रुपया भी नहीं देगा तो भी चलेगा, लेकिन फिर इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए या उनको जो भी स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट जो भी मुझे नहीं मालूम ज्यूरिसडिक्शन में जो भी होता होगा वो उनको होना चाहिए तीनों को, क्योंकि सोहेल और जतिन का जजमेंट तो इंक्लूड ही नहीं किया गया, उन लोगों को तो कुछ बोला ही नहीं गया, तो फिर यू नो तीनों जन वर इन्वॉल्व, तो दैट्स द थिंग, तो फिर फाइनली व्हेन यू आस्क्ड एंड यू नो दैट टाइम आई टोल्ड यू कि नहीं अभी आई एम गोइंग नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस वर्ल्ड एंड आई विल बी गोइंग टू हाई कोर्ट। अब हो सकता है कि जो मैंने सुना है कि आसिफ मोदी भी विल बी अगेंस्ट दिस वर्डिक्ट एंड गो टू हाई कोर्ट, ठीक है इफ ही गोस देन आल्सो इट्स फाइन व्हाटएवर, मुझे तो जाना है, वो जाए ना जाए मुझे तो जाना ही है, एंड मेन अभी इसमें ये है कि जैसे सितंबर तक पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया, देन आई वेंट होली के एक दिन पहले, मतलब 24 तारीख को 24 मार्च को मैं गई पुलिस स्टेशन, पहले मैंने पुलिस जो मेरी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थी उनको फोन किया, उन्होंने बोला कि नहीं मेरा तो ट्रांसफर हो गया, देन आई आस्क्ड कि और कौन है भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, तो उन्होंने बताया कि पाटिल करके आप जाओ, देन नंबर मांगा, उन्होंने नंबर नहीं दिया, देन आई वेंट टू पुलिस स्टेशन, तो मुझे बोला गया कि वो जो थे पाटिल उन्होंने ऐसे मतलब पूरा ऐसे कि हाँ भी नहीं कोई नहीं है ये वो बाद में, और मैंने कहा एक मिनट आप मुझे बताइए कब क्या, माय हस्बैंड वाज वेरी स्ट्रिक्ट एट दैट टाइम, क्या बताओ भी मुझे बताओ कब आना है क्या करना है क्या हुआ है केस में, चार्जशीट क्यों नहीं फाइल है,
देन ही सेड कि आप शाम को आओ, सीनियर इंस्पेक्टर रहेंगे. शाम को अगेन वी वेंट, अगेन सीनियर इंस्पेक्टर वॉज नॉट देयर. पाटिल जी ने बोला अभी तक वो आए नहीं है, पता नहीं क्या. मैंने उनसे नंबर मांगा सीनियर इंस्पेक्टर का, उन्होंने नहीं दिया. मुझे इंटरनेट से मिल गया नंबर. मैंने सीनियर इंस्पेक्टर को फोन किया एंड ही टोल्ड के हाँ अभी देखते हैं, अभी कुछ पता नहीं चला. मैंने कहा पता नहीं चला, सितंबर से मैंने दिया है, जून में 19 जून को केस फाइल हुआ है, एफआईआर फाइल हुआ है, रजिस्टर हुआ है, एंड आपको अभी तक कुछ भी चार्जशीट कुछ नहीं मालूम. नहीं नहीं, आई विल गेट बैक टू यू, आई विल गेट बैक टू यू, ऐसे करके उन्होंने टाल दिया. मतलब के कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, चार्जशीट फाइल होगी नहीं, कि क्या हुआ केस का, क्या हुआ. टुडे सम रिपोर्टर कॉल्ड मी, ही टोल्ड दैट उन्होंने पता किया था, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वी आर फर्दर इन्वेस्टिगेटिंग, बहुत फर्दर इन्वेस्टिगेटिंग. सितंबर से अभी तो कुछ किया नहीं, क्या फर्दर इन्वेस्टिगेटिंग, मतलब दिस इज समथिंग रियली वियर्ड. अभी मैं उनको जाके, कल मैं जाने वाली हूँ, उनकी वाट लगाने वाली हूँ. अगर इनने नहीं किया ना, मैं छोड़ने नहीं वाली, क्योंकि बहुत हो गया. दिस इज समथिंग यू नो आई एम नॉट गोइंग टू बेयर. यू नो अगर मेरी यू नो मेरे जैसे नॉन पर्सन की हालत है, तो बेचारे आम आदमी लोग क्या करते होंगे यार, उनको भी कितना हैरान करते होंगे इन लोग. तो मैं उनको पूछने वाली हूँ, चार्जशीट फाइल करा के रहने वाली हूँ, चाहे कुछ हो जाए. चार्जशीट फाइल होगी, देन वी विल बी गोइंग टू यू नो हाई कोर्ट एंड द प्रोसीडिंग्स विल हैपन. लेट्स सी फिर आगे क्या होता है. बट जेनिफर, आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द रीजन, कि व्हाट इज स्टॉपिंग द पुलिस ऑफिसर्स टू यू नो डू एनीथिंग इन द केस? इट इज फिशी, क्योंकि शुरू से मुझे डिस्करेज किया गया है. जब भी मैं जाती थी, जो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थी सुप्रिया पाटिल, तो वो मुझे बहुत ज्यादा डिस्करेज करती थी कि नहीं, काय के लिए लड़ रहे हो, क्यों ये सब केस में फंस रहे हो, अरे जाओ आप, इतना क्या कर रहे हो. मैं बता रही हूँ लास्ट में तो विटनेस पलट जाते हैं, कोई आपका साथ देगा नहीं, वो बहुत बड़ा आदमी है ना, हर चीज में. अरे आप पुलिस वाले हो, आपका काम ही लिखना, ये क्या मुझे बता रहे हो हर बार. फिर मुझे सताना बार बार के ना, हंड्रेड ऑफ मेरे फोन रिकॉर्डिंग्स को ट्रांसक्राइब करके, तो वर्ड टू वर्ड आई हैव टू ट्रांसक्राइब. मतलब मुझे वो सोच सोच के वॉमिटिंग होने लगी, मुझे तबियत खराब होने लगी. कितनी बार वो सुनू मैं सब, सोहेल गाली बक रहा है उसमें, आसिफ मोदी कुछ बोल रहा है, सब वर्ड्स बोल रहा है, मैं सब ट्रांसक्राइब करते बैठू क्या? ऐसे ही प्रूफ इकट्ठा करने के चक्कर में मैंने कम से कम 500 ऑडियो सुने हैं मैंने, एंड देन नाउ उसको ट्रांसक्राइब करके भी बोल. तो उस टाइम पे व्हेन दैट टाइम आई मेड द पॉइंट कि नहीं मुझे नहीं अभी. Then my lawyer asked me to go to collector, and then the rest was history. Of course, they are under some, you know, कुछ इसमें है, कोई दबाव में है, प्रेशर में है, कहीं से फोन आया है उनको या whatever, I don't know. क्योंकि इतना तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वो कोऑपरेटिव नहीं थी, जो उस टाइम पे सीनियर इंस्पेक्टर थे बुधन, वो कोऑपरेटिव नहीं थे. टोटल मतलब इतना ज्यादा कि मतलब जैसे ना कि, एंड मुझे जो फील होता था जब भी मैं जाती थी ना, जो सीनियर इंस्पेक्टर है, ही वाज यूज्ड टू बी लाइक ऐसे डरे हुए. मैंने बोला ये मुझसे डर रहे हैं, बताओ. मतलब जो भी उनको होगा, कि उनको मालूम होगा गलत चीज कर रहे हैं. तो देन आई वेंट टू इवन एसीपी दत्ता नालावड़े, जो हमारे जोन 10 के जो एसीपी हैं, उनके पास आई वेंट ट्वाइस. उनको बोला कि मैंने कहा सर चार्जशीट फाइल नहीं नहीं हो रही, हो जाएगी हो रही. मैंने कहा नहीं क्यों नहीं हो रही, हर जगह यहाँ पर मुझे पांच पांच दो दो घंटा तीन तीन घंटा बैठाया. तो देन आई वेंट टू जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस टाउन में. हम 10 घंटा मैं और मयूर वहां पर थे, वेट कर रहे हैं, उनसे मिले. उनने बोला नहीं नहीं हो जाएगा. यहाँ पर जो हमारे पवई और साकिनाका के जो एसीपी हैं भरत सूर्यवंशी, उनके पास मैं गई. वो ही वो सो शॉक टू लिसन टू दिस, क्या बात कर रहे हो, आपका चार्जशीट नहीं फाइल कर रहे, क्या बात कर रहे हो, आपका एफआईआर में इतना टाइम लगाया, क्या बात कर रहे हो, आपको पुलिस वाले ये कर रहे हैं. नहीं नहीं मैं देखता हूँ पूरा, कैसे नहीं होता, कुछ नहीं कुछ नहीं. मतलब आपके आपको बार बार जो प्रूफ्स हैं वो आपको ही ट्रांसक्राइब कराने के लिए बोले जा रहे हैं. मतलब एक तरीके से आपको वो जो ट्रॉमा है उससे कभी बाहर निकलने ही नहीं दिया गया. यस यस, दे वर ट्राइंग कि इसको इतना डिस्करेज कर दो, इतना थका दो ना कि ये हार जाए. लेकिन देखो अंत में वही होता है जो भगवान ने चाहा. मैं तो यही मानती हूँ. ऑफ कोर्स आई वाज वेरी टायर्ड, एग्जॉस्टेड, मेंटली यू नो ड्रेन्ड आउट दैट टाइम. मुझे लग रहा था गिव अप करो. जब मेरे लॉयर अमित खरे जो है नागपुर से, ही टोल्ड मी कि जेनी गो टू द कलेक्टर, पहले हम यहाँ से निकलवाएंगे ऑर्डर, देन वी विल
after on the basis of this because the proof what you have because see जब भगवान को करना होता है ना तो अपने आप वो कुछ ना कुछ प्लान करता है हाँ, कोई ना कोई दरवाजा खोल देते हैं ऑफकोर्स मतलब हाउ ऑन अर्थ इज दिस पॉसिबल कि मैं घर पे आई हूँ मेरे को ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग मिले हैं जो सालों ना 3-4 साल से ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें सबके पूरे भर भर की ना गाली और ये और वो सब चीजें हैं प्लस आफ्टर आई लेफ्ट तारक मेहता उसके बाद 2 महीने तक जो लोगों ने कलीग्स ने कॉल किए जिन्होंने भर भर के आसिफ मोदी को बोला है सोहेल को बोला है सब चीजें बोली सब कॉल रिकॉर्डिंग मैंने वहां पर दिया कलेक्टर के वहां यू नो जो पोस्ट के अंदर कमिटी है सब वहां दिया उनको वो सुन के समझ में ही आ गया कि क्या क्या है ये प्रूफ में इन्होंने क्या दिया आसिफ जी ने जो प्रूफ दिया मेरा मेरा व्हाट्सएप मेरा और आसिफ जी का व्हाट्सएप चैट जिसमें मैं उनको हमेशा बोल रही सर थैंक यू फॉर दिस सीन सर थैंक यू ये आपने दिवाली गिफ्ट सबको दिया सर आज का एपिसोड बहुत अच्छा था ऐसा वेरी यू नो रियल हैप्पी दिवाली सर हैप्पी बर्थडे सर ये उन्होंने So being grateful is like what I was doing. Chamchagiri, it is the normal courtesy I was showing. ठीक है, whatever वो जो उनके पास कुछ था ही नहीं तभी वो क्या करता। But अभी आपको कोई response मिला है production house? Did they try to reach out to you? या कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। मतलब from Tarak Mehta, no one message, no one call, nothing. But of course, जो Tarak Mehta में पहले थे, who are my well wishers, I know like. हाँ मालव प्रिया मोनिका जो जिनकी जिनका बहुत बड़ा योगदान है इस केस में बिकॉज व्हेन जब मेरे पे उंगली उठाई गई जब हर्षद ऋषि और अरमान ने बोला कि जेनिफर इज इनडिसिप्लिन डिसऑर्गेनाइज्ड तब उन तीनों ने बोला तो ऑफ कोर्स दे कॉल्ड एंड कांग्रेचुलेटेड शैलेश जी कॉल्ड एंड कांग्रेचुलेटेड बिकॉज दैट वाज अ बिग थिंग चलो एटलीस्ट दे केयर ये इतना ही चाहिए यार कुछ नहीं चाहिए यार मतलब ऑफ कोर्स बट अंदर जो है किसी ने कॉल नहीं किया किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं कुछ नहीं आपको आपको थोड़ा शैलेश जी का जिस तरीके से वर्डिक्ट आया क्योंकि उनके भी पैसे रुकाए गए थे ड्यूज काफी टाइम तक और उनको भी कोर्ट का सहारा लेना पड़ा टू गेट हिज ओन मनी बैक हार्ड अर्न मनी बैक आपको वहां से भी थोड़ा ही गरीब वो नजर आया कि शायद इनका अच्छा हुआ है तो शायद मेरा भी हो सकता है शायद नहीं ये तो मुझे पहले से मालूम था मेरे साथ बुरा होगा ही नहीं कभी ये तो मैं लिख के देती हूँ ये मैं बचपन से जानती हूँ बिकॉज दिस इज अ पैटर्न ऑफ माय लाइफ थ्रू आउट कि आई एम ऑलवेज वेरी ट्रूथफुल एंड आई एम ऑलवेज वेरी ट्रांसपेरेंट एकदम जो अंदर है वो बाहर है तो मुझे मालूम था मेरे साथ बुरा नहीं हो और अगर ये भगवान ने मुझे वहां से निकाला है इस जिंदगी से तो इसका कुछ ना कुछ रीजन है आई हैव टू जस्ट यू नो आई एम दैट शीप हु इज फॉलोइंग द शेपर्ड वो शेपर्ड है वो कर रहा है वो ले जा रहा है जहां ले जाएगा जो करेगा अफकोर्स वो टाइम पे एक बहुत ज्यादा हो जाता है बिकॉज नो वर्क नो मनी सिटिंग एट होम बोर हो रहे हैं यू नो और ख्याल आ रहे हैं पुलिस स्टेशन जाके आ रहे हैं वहां की 50 लोगों को वहां थप्पड़ पड़ रहे हैं लात घुसे पड़ रहे हैं दिख रहे हैं सामने हर बार जाके वो वाइब्रेशन दिख रही है वहां पर देखिए एकदम घर आके नमक के पानी से मैं नहा रही हूँ अपना मेडिटेशन कर रही हूँ यू नो सब मेरे हीलिंग वर्क कर रही हूँ क्योंकि वो इतना ज्यादा हैवी हो जाता था ये सब देख देख के और ऊपर से मेरी 10 साल की बेटी को हर बार घर छोड़ के हम जाते थे अभी जैसे परसों हम 24 तारीख को गए थे तो मेरे इन-लॉज माय इन-लॉज आर नॉट इन टाउन तो हमको उसको घर में बंद करके जाना पड़ा 2 बार पुलिस स्टेशन जब हम गए हैं और तीसरी बार दूसरा पवई पुलिस स्टेशन गए हैं 3 बार उसको घर पे अकेला हम छोड़ के गए हैं तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट यू नो दिस इज वेरी डिफिकल्ट बट जब शैलेश जी का जो आया तो ऑफकोर्स आई फेल्ट गुड फॉर हिम मुझे उनके लिए भी मालूम था कि क्योंकि वो भी सच बोल रहे हैं वो भी जानते हैं अंदर क्या हाल है बोलना नहीं चाहते वो अलग बात है लेकिन वो उनका सच है मतलब वो उनका तरीका है सब मैं किसी को वो नहीं कर सकती कि वो क्यों नहीं बोल रहे उनकी मर्जी है बट द थिंग इज कि एटलीस्ट ही इज उन्होंने जो फाइट किया उनके पैसे के लिए और उनको मिला तो इट इज वेरी गुड के देखो भगवान की लाठी में आवाज नहीं अगर आसिफ जी ने गलत किया है तो वो गलत चीज होगी ये तो मुझे लगता है फैंस की और लोगों की दुआएं हैं कि अभी तक इतना बचे हुए नहीं तो बुरा था क्योंकि वो खुद हमको बोलते थे हमारे मुंह पे हमको बोलते थे कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मेरी 7 पुश्तें कमाएगी लेकिन मुझे मालूम है सब मुझे बद्दुआ देते हैं सब मुझे बद्दुआ देते हैं ही नोज दैट कि उनके पीठ पीछे सब उनको ऐसा जानते सब उनको सिर्फ मस्का मारते तो Yeah. I'm happy कि एक verdict आया क्योंकि I was standing all alone, no one, not even one person except my husband, except my lawyer और मेरे 3-4 friends जो हैं
मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है उपासना दीदी, मतलब बहुत बार मैं चीख चीख के रोई उनके सामने, मेरा ब्रदर है आदिल उसके सामने मैं चीख चीख के रोई, वो हम सेम ही बिल्डिंग में रहते हैं, मेरा फ्रेंड है प्रजाक हम उसके सामने मैं रोई हूँ, या मेरी जो गुरु है मनीषा लोमाश, या दिलखुश, दिलखुश भी हु वाज प्लेइंग रोशन मेरे से पहले, वो शी इज आल्सो गोइंग टू स्पिरिचुअलिटी, शी इज आल्सो वन ऑफ माय गुरुज, ये लोगों के सामने मतलब मैंने ऐसा जो आई हैव पोर्ड माय हार्ट आउट, कि ऑफ कोर्स एक टाइम पे लगता है क्या किया है मैंने ऐसा यार, कि मैं घर पे बैठी हूँ काम नहीं मिल रहा, मतलब एक साल में एक काम में मेरा भी स्टेट ऑफ माइंड नहीं था करने का, ऑफ कोर्स अब जाके मुझे अच्छा लगने लगा है कि ओके दिस वर्डिक्ट हैज कम आउट व्हाटएवर, ठीक है उन्होंने वैसे भी बोला था कमेटी वालों ने कि अगर आपको वर्डिक्ट एक्सेप्टेड नहीं होगा देन यू कैन गो टू हाई कोर्ट, दैट मींस इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड आई कैन इवन स्पीक टू मीडिया, दैट्स इट राइट. But Jennifer, what all did you go through, especially in the last one year, जब आप अपने तरफ से अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रही थी, आप अपने तरफ से अपना साइड ऑफ यू नो फैक्ट्स जो आपके साथ हुआ है वो बातें सामने रख रही थी, कुछ लोग बिलीव कर रहे थे कुछ लोग नहीं कर रहे थे, आपने लास्ट टाइम भी जब मुझसे बात किया था आपने बोला था कि किस तरीके से आपने लोगों का रवैया आपके आसपास चेंज होते हुए देखा है, कि जो लोग आपसे बहुत अच्छे से ग्रीट करके बात करते थे जब आप तारक में थे, आपके सोसाइटी की औरतें, आपके आसपास के लोग, आपके तारक मेहता के को-स्टार्स, सबने आपका रातों रात फोन उठाना बंद कर दिया, आपसे कम्युनिकेशन सारे के सारे तोड़ दिए, औरतें आपको सोसाइटी की टॉन्ट मारती थी, तो ये एक साल कितना डिफिकल्ट रहा है ये सब से जो आप गुजरे हो? I am a spiritual person. I totally believe in karma. Karma in the sense, it's not that मैंने इस जन्म में ये कर्मा मैंने लिया होगा, ये सब सुनने का, ये सब सहने का, ये सब you know through this all this mental trauma जाने का, क्योंकि आपको लगता है आपकी limit इतनी है, लेकिन spirituality आपको बताता है कि आपकी limit इतनी है, तो उस time पे आपको पता चलता है कि आप क्या, तो मुझे लगता था कि यार मैं तो friends के बिना रह नहीं सकता, मैं तो मेरे कलीग्स के बिना नहीं रह सकती, मेरे जो खास करके तीन चार जन हैं उनके बिना तो मैं लाइफ में सोच नहीं सकती कि मैं उनसे एक दिन बात किए बिना रहूंगी, दिस इज अनइमेजिनेबल, दिस वाज अनइमेजिनेबल फॉर मी कि मैं यू नो अंबिका सोनालिका मंदार ये तीन जन स्पेशली, मेरे मेकअप दादा जो मेरा मेकअप करते थे, वी वर वेरी क्लोज, इन लोगों के बिना मैं रहूंगी मैं सोच भी नहीं सकती थी, प्लस ऑल्सो ऑफकोर्स के जो बिल्डिंग के लोगों से ऐसा कभी मेरी कभी बहुत दोस्ती दोस्ती जैसा नहीं रही है, बट द थिंग इज के व्हेनेवर आई यूज्ड टू पास ऐसे हाय हेलो जैसा तो हो ही जाता है, लेकिन अभी वो जब लास्ट टाइम लास्ट ईयर ऐसा हुआ कि सबने कट ऑफ कर दिया आफ्टर माई केस केम आउट, सडनली एवरी वन यू नो कट ऑफ विथ मी, यहाँ तक कि मेरे बर्थडे पे किसी ने विश नहीं किया एक्सेप्ट वन पर्सन उस तारक मेहता से, और किसी ने विश नहीं किया, दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि मतलब क्या हो जाता है यार, मैं आप हैप्पी बर्थडे पे बोलने मैं आपको थोड़ी ना केस पे घसीट लूंगी, आई कांट इमेजिन उस टाइम पे फ्लावर्स लेकर आते थे मेरे लिए, यू नो चॉकलेट्स लेकर आते थे, केक लेकर आते थे, ये सब करते थे, एंड सडनली आर नॉट विशिंग मी, बट ठीक है दैट्स पार्ट एंड पार्ट पार्सल ऑफ लाइफ, बट हाँ सोसाइटी के लोग जैसे थे तो वो बहुत देख देख के मुझे यू नो टोटल इग्नोर मार के, बहुत सारी आंटी जैसे देख के मुंह बना के और ऐसे सब जाते थे, धीरे धीरे वो काफी टोन डाउन हो गया, इन पीपल हैव यू नो फॉरगेटफुल मेमोरी, वो टोन डाउन हो गया, बट द थिंग इज अभी तो केस का अभी मुझे मालूम नहीं है, मैं किसी से मिली नहीं हूँ कि बाकी कितनों का रवैया चेंज होता है, बट कुछ दिन पहले जैसे हम गए थे वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने मेरे सोसाइटी की लेडीज, वी एंजॉयड अ लॉट, मतलब सम ऑफ देम आर वेरी गुड सम ऑफ देम आर न्यूट्रल, एंड दो तीन हैं जो बिल्कुल देख के ऐसे करती है, तो अभी वो उनका कुछ नहीं कर सकते, दैट्स देयर मेंटल स्टेट, आप किसी का चेंज नहीं कर सकते मेंटल स्टेट, बट कितना दुख हुआ जिनके साथ आपने 13 साल काम किया है, मंदार अंबिका जी सोनाली जी, ये लोगों के साथ आपने ईद हो दिवाली हो होली हो सारे त्योहार मनाए, एज एन एक्टर ग्रो किया, प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ देखी, आई थिंक आप लोगों की शादियां भी मतलब बच्चे बच्चे भी साथ एक दूसरे के सामने ही हुए होंगे, एंड यू नो दे यू गाइस मस्ट हैव बीन फैमिली फ्रेंड्स, आप लोग मिलते भी होंगे, यू नो
तो कितना डिफिकल्ट हो गया जब आपने देखा कि ऐसे लोगों ने भी आपके साथ बात करना बंद कर दिया, इवन आफ्टर नोइंग दैट यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ? ऑफ कोर्स, लाइक जैसे मैंने बोला कि आई वर्क्ड ऑलमोस्ट 15 इयर्स, बीच में 3 साल में नहीं थी बिकॉज ऑफ द डिलीवरी, बट डिलीवरी के लिए गई थी तब भी ये लोग मेरे से कनेक्टेड थे, स्पेशली अंबिका, सोनालिका और मंदार, दे वर वेरी क्लोज टू मी, इवन इन दैट केस मुनमुन, ठीक है, दे वर वेरी 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 क्लोज टू मी. एंड बट जब भी केस हुआ, जो भी सबका अलग अलग, किसी ने नहीं बोलना सही समझा, किसी ने बोला समझाने की कोशिश की, किसी ने एकदम से कट ऑफ कर लिया, ऐसा सब हुआ. एंड वी हैव स्पेंट लाइक जैसे आपने बोला कि ना, हर होली दिवाली ईद हमने सब चीज साथ में मनाई, मतलब मैं वहां मना के इतना थक जाती थी घर आके कि रियल होली, रियल दिवाली, रियल ईद कुछ हम मना नहीं पाते थे, क्योंकि ऐसा लगता था वहां तो मन गए यार, इट वाज सेकंड फैमिली टू मी बिकॉज ऑफ माय कलीग. बट एंड जैसे कि यू नो, इनके बच्चे भी, वी वर वेरी क्लोज, यू नो, सबके बच्चों से एक अलग अलग बॉन्डिंग था. इट इज वेरी सैड टू सी, ऑफ कोर्स आई विश देम गुड लक, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दैट ओके, उनका जो है उनके भी के लिए भी यार, उसकी रोजी रोटी ज्यादा जरूरी है. अब मुझे नहीं मालूम, अभी किसी के हो सकता है फैमिली मेंबर ने मना किया हो कि नहीं करो, ये केस में नहीं लगो, किसी के कोई और ने मना किया, किसी के एस्ट्रोलॉजर ने मना किया होगा, यू नेवर नो, आई डोंट नो व्हाट इज किसका क्या रीजन है, हमें नहीं पता. पर इसमें भी एक चीज मैं बोलूंगी, जिसको जिसको रखना होता है ना, वो कैसे भी रखता है. एक दो जन है जो दे डोंट आस्क अबाउट द केस, वी टॉक अबाउट अदर थिंग्स, वी टॉक फ्रॉम तारक मेहता ओनली, दे कॉल मी, वी टॉक अबाउट अदर थिंग्स, वी डोंट टॉक अबाउट केस एट ऑल. रखना है तो आप रखते हैं ना जी. मेरे बर्थडे पे कुछ गिफ्ट भेजना है, बिना बोले मुझे गिफ्ट भेजा, मुझे तो सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ यू नो होगा. तो रखना है तो अपने आप रख सकते हो आप, लेकिन अब आपको कट ऑफ ही करना है तो कुछ नहीं कर सकते इसमें. जैसे कि अगर मैं मंदार का बोलूं, जैसे मंदार ने उस टाइम पे मेरे खिलाफ बोला था, या जो भी बोल लो, उस चीज को मैनिपुलेट करके मीडिया में बोला गया, जिस तरीके से कि उसको पूछा गया था, आई थिंक मेल शॉविनिस्टिक जगह है क्या, तो उसने मुझे बोला था कि नहीं पता नहीं ऐसा तो क्या बोल रही है, ऐसे करके मैं भी उस बात को बड़ा चढ़ा के वो बोला गया. आई वाज आल्सो इन सो मच एंगर कि यार, यू आर माय क्लोजेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन यू तू चुप रहता ना, तू नहीं बोलता ना, व्हाई यू हैव टू गो अगेंस्ट दैट. बट वो शायद ऐसा होना होगा, भगवान ने सोचा ही होगा, दोस्ती सबसे ही तोड़ना है, क्योंकि मेरा लाइफ का लेसन है डिटैच. My life purpose is detachment. So, जब तक मैं सबसे detached नहीं होंगी, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी. तो मुझे एक वक्त ऐसा आया जब मेरे हस्बैंड के अलावा, और ये 3-4 जन जो मैंने गिनाए हैं, जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, इसके अलावा कोई नहीं, कोई भी नहीं, नॉट इवन किसी से बात करने का, यू नो, कोई बात फोन उठा के जिसे लगा लू, किसी को ऐसा भी नहीं रहता था कोई. मैं बैठे, मतलब 5-5 घंटा में से बैठ के लेटे फैन को दिख रही हूँ, ऐसा होता था, इतना डिप्रेशन में थी मैं. बट ऑफ कोर्स टाइम चेंजेस, भगवान देखता है, पेशेंस देखता है. पर उस दिन जब ये सब हुआ, उस समय समझ में आया कि नॉट एवरीवन इज ट्रस्टवर्दी, एंड इतना अपना इमोशनली सबसे अटैचमेंट रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंड मौके पे सिर्फ आपकी फैमिली ही आपके काम में आती है. 100% दिस इज अ लेसन लर्न्ड, कोई साथ नहीं देता भाई, जो है आपका फैमिली है. देयर आर वेल विशर्स विच आई नो दे आर न्यूट्रल, दे आर नॉट, दे डोंट प्रे फॉर मी टू विन द केस, बट दे आर देयर फॉर मी विदाउट सेम. आई एम टॉकिंग अबाउट कुछ पीपल फ्रॉम तारक, बट ये है कि ऑफकोर्स फैमिली से बड़ा तो कोई सपोर्ट नहीं है. एंड जिस तरीके से My husband was there throughout because he was like, चल अभी कहाँ चलना, पुलिस स्टेशन चलना, चल अपन टाउन होके आते, वहाँ पुलिस स्टेशन होके, चल अभी वहाँ पर ना पुलिस स्टेशन के बाहर धरना लेके बैठ जाते, मतलब कौन करता है यार ऐसा. Actually, he was the, he is my biggest fan. You know, before wrapping up, two questions, Jennifer. एक तो ये कि financially आपने कैसे ये एक साल संभाला, क्योंकि आप कंटिन्यूसली इतने सालों से काम करते आए, यू हैव बीन अ वर्किंग वुमन, ऑब्वियसली बात है आपके सेविंग्स वगैरह होंगे, लेकिन आपके भी, हम जैसे लास्ट टाइम जब मैं आपसे बात करी थी, आपने मुझे बताया था कि कैसे
यू नो आपके मायके में भी आप काफी चीजें संभालती हैं, बिकॉज यू लॉस्ट योर ब्रदर ऑल्सो, यू नो आई थिंक लास्ट ईयर इट वॉज, सो लास्ट ईयर 22. हाँ, एंड काफी यू नो चीजें आपके ऊपर डिपेंडेंट रही हैं फाइनेंशियली. सो हाउ डिफिकल्ट वॉज इट द एंटायर टाइम, बिकॉज अचानक से काम तो छूट गया और उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी. तो आई ऑलवेज बिलीव सिंस माई चाइल्डहुड दिस इज इनबिल्ट इन मी, मुझे जब पैसा चाहिए रहता है आ जाता है. आई डोंट आई कैन मैनिफेस्ट ऐसा यू नो, मुझे 10 रुपए चाहिए तो 10 मिलेंगे, लाख रुपए चाहिए तो लाख मिलेंगे. इट्स जस्ट आई हैव टू, मुझे कभी भी पैसे की कमी नहीं हुई ना होगी. मतलब जेब में 1 रुपया भी नहीं है, एंड इफ आई वांट कि मुझे ये चीज चाहिए वो चीज मिल जाएगी. मतलब बड़ी बड़ी चीजें मुझे मिली है, मतलब मैंने ऐसे करके घर मैनिफेस्ट किया, ऐसे कार मैनिफेस्ट किया, ऐसे मेरा मोबाइल चोरी होकर मैनिफेस्ट किया. आई एम अ बिग मैनिफेस्टर. तो बिकॉज आई हैव अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड थ्रू आउट माई लाइफ, एंड तो एक ऑफकोर्स वो एक होता है कि रेगुलर एक आ रहा है, सॉलिड एक इनकम आ रही है हर महीने, एंड वो इनकम बंद हो जाना इज, पर अब आई न्यू कि ठीक है वी हैव सेविंग्स एंड वी कैन गो लाइक दिस इन दिस ऑटो मोड ऑल्सो फॉर 4-5 साल हम आराम से खींच सकते हैं, कोई इशू नहीं. इतना सेविंग्स है एंड एवरीथिंग. माय हस्बैंड वाज आल्सो अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर अर्लियर, देन ही आफ्टर दैट लाइक द सल्सिव एक्टर है, वी हैव ही हैज सेविंग्स, आई हैव सेविंग्स, यू नो बहुत सारी चीजें हैं, घर है हमारा, घर दूसरा घर है रेंट पे, सब कुछ है, उसका रेंट आ रहा है, एवरीथिंग इज देयर. तो वो मैनेज हो गया. हाँ, अब ये है कि इसमें यही चीज हुई कि जैसे मैं पहले एकदम खुल के मेरे मेरे मम्मी इन लोग को दे पाती थी, धीरे धीरे अब तो कह लू वो बंद ही हो गया है. पर लास्ट सितंबर से तो मैंने उनको कुछ नहीं दिया है, बिकॉज ऐसा हो गया कि समहाउ, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर समवन टू अंडरस्टैंड, बट जैसे मेरा भाई जब गुजरा 2022 में, और आफ्टर ही एक्सपायर्ड उसके 10 दिन बाद पता चला उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, एंड उसकी जो बेटी पैदा हुई 15 अप्रैल को लास्ट ईयर, रोशन आरा उसका मैंने नाम रखा था, मेरे ही नाम पे रोशन आरा. तो उसको वो जब आई थी, आई गॉट माय ब्रदर्स मैसेज दैट अभी तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं इस घर में, सब कुछ मेरी बेटी करोगी, एंड दैट या बोले तेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरी बेटी लेगी. एंड आई नो इट इज यू फील दैट ना व्हेन द मैसेज इज सेंड, एंड जेन्युइनली अब मैं सोचती हूँ वो कैसे हो गया, आई डोंट नो, आई एम नॉट गिविंग द सिंगल रूपी. तो वहां एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप खत्म हो गई. आई एम ऑन ऑटो मोड, मेरा होता रहता है काफी, इंस्टा के कोलैबोरेट रील्स होती है मेरा, दूसरे यू नो पेड कोलैबोरेशन होते हैं जो मैं वीडियोस बना के देती हूँ काफी सारे, वो सब चीजों से मेरा इनकम होता रहता है, ऐसा कुछ इतना वो नहीं है, काम चलाऊ हो जाता है, बट ठीक है, दैट्स ओके. आई एम जस्ट, आई एम एट प्रेजेंट, आई नो आई एम डूइंग गॉड्स वर्क, व्हाट गॉड इज वॉन्टिंग मी टू डू, बिकॉज गलत चीज के लिए चुप नहीं रहना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं अलग रखना है, ये सबसे बड़ी चीज है. और जैसे मैं शुरू से हमेशा बोलती थी कि मैं नहीं चाहती इन लोगों को पनिशमेंट मिले, लेकिन अब तो मैं चाहती हूँ उनको पनिशमेंट, मैं चाहती हूँ उनको तीनों को पनिशमेंट मिले, जो भी कड़ी से कड़ी सजा, एंड आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस, यू नो पैसा जो भी है, अब जो भी आगे कोर्ट डिसाइड करे, क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज नाउ अगेंस्ट माई सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि बहुत साल मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट साइड में रखी, अब नहीं रखी. तो आप कल जाओगे अपने लॉयर के साथ, यू आर प्लानिंग दैट? या नॉट विद द लॉयर, आई विल बी गोइंग विद माय हस्बैंड, लॉयर विल कम नेक्स्ट वीक, तो फिर उसके बाद तब वापस देखेंगे. अभी तो उसने बोला है कि तुम हो गया, तो कल मैं जाऊंगी पुलिस स्टेशन एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. मुझे पूछना है उनको चार्जशीट का क्या हुआ एंड एवरीथिंग. अभी उन्होंने ज्यादा नाटक किया, सीधे मैं इंस्टा लाइव करने वाली, बहुत हो गया, बहुत अभी पर्दाफाश करने वाली हूँ, क्योंकि वहां वो जिस तरीके से करते हैं उनको लगता है ना हम यहाँ पर अकेले में कर रहे हैं, किसी को पता नहीं चलेगा. लेकिन इतने साल मैंने यहाँ पर तारक में जो अकेले में सुना है वो गलती में यहाँ नहीं करने. या राइट, थैंक यू सो मच जेनिफर, एंड लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू यू. उम्मीद करते हैं कि जो भी सच है वो जल्द से जल्द सामने आए, जो भी सच्चाई है वो लोगों तक पहुंचे और लोगों को पता चले कि एक्चुअली में आपके साथ क्या हुआ, या ये पूरे मामले में कौन सही है कौन गलत है, जो भी है तो सामने आए और पता चले. सो लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू यू, ऑल द बेस्ट. आई वांट वन थिंग आई वांटेड टू से इज लाइक, सो दिस वर्डिक्ट हैज क्लियर्ड माय नेम, दैट्स द मेन थिंग. एंड ये जो कमिटी थी, यू नो चार लेडीज और ये मेल थे, इन्होंने जो किया है बहुत बड़ा, मैं शुक्रिया करती हूँ इनको.
कि कम से कम कोई तो था जो हु वाज बायस्ड, नॉट बायस्ड यू नो, ही वाज वेरी न्यूट्रल, एंड उन्होंने आसिफ जी को भी चांस दिया कि आप अपना प्रूफ करो, मेरे को भी दिया, बट ऑफकोर्स आसिफ जी प्रूफ नहीं कर पाए. तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि कुछ तो एक फॉर द रे ऑफ होप फॉर द पीपल हु आर सफरिंग. आई रियली विश other girls who are suffering on the same for the same thing, sexual harassment or any mental harassment, should come forward. Don't stay quiet yaar, tum kya seh rahe ho ghar jaake, depression apne family pe nikal rahe ho. Don't do that, just come out, you know, just you know, be courageous. ek bar jab aap karoge na, apne aap sab cheez apne aap himmat aa jati, apne aap raaste ban jate. That's it. Thank you. And do you think ki this will be an example for other ladies jo aise work environment mein ye sab sahan karke उनका करेज है कि उनको ये बोलना है, क्योंकि आई नो मेनी पीपल ऑन द सेट ऑल्सो, बाहर भी जो लोग वर सफरिंग फ्रॉम द सेक्सुअल हरासमेंट थिंग्स, मेंटल हरासमेंट, बट दे They should have courage to speak up. Yeah, yeah. I hope ki isse bahut logo ko strength milega, Jennifer, and thank you so much for joining and all the best for future. Thank you, Vijaya. Thank you. Take care. Bye.